जो गाने बज रहे थे वो तुम नहीं जा रहे भाई, तुम जेल में फंस गई। अरे वो निकलना चाहती है। मैं निकलना चाहती हूँ। सैंडी छोड़ दो उसे, छोड़ दो बाबू, परेशान हो रही है, उसे खेलना है बाबू। दक्षु आपको खेलना है, खेलने नहीं दे रहे भैया। भैया आपको खेलने नहीं दे रहे थे। नहीं नहीं सैंडी ऐसे नहीं रखो, भैया खेलने नहीं दे रहे थे आपको। इसके सबसे लोग अभी हम लोग मामा के घर पहुंच गए। यहाँ पे हमारी डक्सु है, यहाँ पे हमारी मुक्की है। आप खड़े हो गए, खड़े हो गए, आप खड़े हो गए। मम्मी अभी खड़े हो गए। आपने क्या खाया अभी? ओलियो। आपने बिस्किट खाया? ओलियो वाली। आपने बिस्किट खाया अभी बिक्की? हमने बिस्किट खाया, हमने बिस्किट खाया। बिस्किट खाया आपने? देखो डक्सू के लिए हमने बिस्किट खाया, हमने बिस्किट खाया। कौन चाहिए? अच्छा इसको से इसको हले हले दक्षु, दक्षु, दक्षु ने कौन से कपड़े पहने हैं? दक्षु देखना। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि मैं रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के लिए अपने मायके आ चुकी हूँ। तो अभी यहाँ पर सोने का टाइम था, हम शाम को पहुँचे थे। 10 तारीख में हमने 11 तारीख का सेलिब्रेशन किया था, जैसे दो थे अब की बार। और बस अभी ये रात का टाइम था, थोड़ा सा अभी मैंने सोते हुए सबको दिखाया, अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। हाँ बाबू, हाँ। और यहाँ पर मैं क्या था, पहले ताई जी के घर जा रही हूँ रक्षाबंधन बनाने के लिए। अभी यहाँ पे भैया ये रेडी होंगे, तो मैंने सोचा इतने ताई जी के यहाँ हो आते हैं, तो चल दिए हैं ताई जी के यहाँ पर। और दीदी जो मेरी कज़िन सिस्टर्स हैं वो भी आ गई हैं, तो यहाँ पर रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा है। तो आप देख लीजिए किस तरह से होता है हमारे यहाँ। पोस्ट करी होंगी? हाँ दीदी पोस्ट करी है। रिया कहाँ है भाई? रिया, रिया कहाँ गई? किस किसने बांधी? वो बेला ये लोग इसे रख लो फिर थाली में। दीदी जो दीदी है उनकी बेटी, इन्होंने ब्लॉग चैनल शुरू किया है और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग डालते हैं। वशिष्ठ फैमिली ब्लॉग करके चैनल का नाम है, तो आप इनके वीडियोस देखिए, इनको सपोर्ट कीजिए। एक बहुत ही अलग सा रूटीन डेली लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगा इनका। एंड हाँ, अगर आपको मेरे को इंस्टा पे फॉलो करना है तो मेरी इंस्टा आईडी है तनिषा वशिष्ठ 2022 ऑफिशियल। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए वशिष्ठ फैमिली ब्लॉग्स को भी। ठीक है बाबू, देखो दक्षु, दक्षु देखो इधर। लव मैं खींचू तुम्हारी फोटो सबके, रिकॉर्डिंग कर दिए क्या? रे हो कैसे इस महल में आप हो गए तंग? सुबह मैंने साथ में किसको
चले जाएंगे चले और यहाँ पर क्या है, मैं ना अपने दोनों भाइयों को दो दो राखियाँ बांधती हूँ। जैसे कि जिन लोगों को पता है मेरी दीदी के बारे में, तो दूर रहते हैं, रक्षाबंधन पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन अपनी राखियाँ पोस्ट कर देते हैं। तो हमेशा मैं जब भी ताई जी के घर जाती हूँ या अपने घर, पहले दीदी की राखियाँ बांधती हूँ फिर अपनी बांधती हूँ। तो इस तरह से मैं हर बार दो दो राखियाँ बांधती हूँ। लेकिन यस, अब बहुत टाइम हो गया, ऐसे विश करते हैं कि अब रक्षाबंधन सेलिब्रेशन दीदी के बिना बहुत हो गया, अब कभी दीदी को भी मतलब कोशिश करेंगे कि दीदी भी रक्षाबंधन पर आएँ। बहुत टाइम हो गया उनके साथ सेलिब्रेट किए हुए, मतलब उनका आना होता है, दूर पड़ता है, तो बस छुट्टियों में रहने के पर्पज़ से आते हैं। रक्षाबंधन, भैया दूज, ऐसी चीज़ों पे उनका नहीं आना हो पाता और हम उन्हें बहुत मिस करते हैं और वो भी बहुत मिस करती हैं। वो तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट क्या कर सकते हैं। छोटी बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, छोटी छोटी रहेगी, बड़ी ना हुई ऐसा। और यहाँ पर मैं सबके लुक तो शेयर नहीं कर पाई, लेकिन थोड़े थोड़े से सीन लिए हैं। शुरू में जो मेरी कज़िन सिस्टर हैं सबसे बड़ी वाली, वो थी, मम्मी थी, दोनों भाभियाँ हैं यहाँ पर, सभी बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन सॉरी, मैं सबको कैप्चर, मतलब इतना ज़्यादा कुछ एकदम से होता है कि सबका लुक मैं नहीं कैप्चर कर पाई। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस घर। तो यहाँ पे क्या था, हमारा सबका एक रूट पड़ता है, मेरी मम्मी का, जो मेरी बड़ी वाली भाभी और हमारा। तो जो भैया होते हैं हमेशा हमको साथ में ले लेते हैं, और हमको तो भैया ने घर पर ही ड्रॉप किया था, मम्मी को बीच में उतार दिया था। मम्मी दिल्ली में जो चांदनी चौक है वहाँ से बिलोंग करती हैं, नहीं नहीं चावड़ी बाज़ार से, तो मम्मी को बीच में ड्रॉप किया था। वहाँ से मम्मी का मतलब ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, मम्मी चली जाते हैं मामा जी घर, हमें घर पर ड्रॉप करके फिर सबसे लास्ट में भैया भाभी को लेके जाते हैं उनके घर। तो इस तरह से हम लोग साथ में निकलते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है, रक्षाबंधन के दिन जैसे जाम वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा ही कुछ होता है, निकलते हैं कितनी भी जल्दी निकल लें, लेकिन 4-5 घंटे से पहले हम नहीं पहुंच पाते। हम आई थिंक 1 बजे निकले थे और हम 5:30 बजे घर पहुंचे, और जो भाभी हैं वो तो और भी लेट पहुँची थी। तो रक्षाबंधन के दिन ये हाल होता है। तो देखिए, हम सब लोग जा रहे हैं बस, और अभी क्या था, बीच में जाम मिला है एक जगह पे, मतलब इतना था कि एक एक घंटा भी रुके हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आगे खिसकते रहते हैं। तो मैं बीच में, मेरा मेरे पीछे व्यू ऐसा आ रहा था फ्लावर वाला, तो मैं इसी को रिकॉर्ड करने लगी थी थोड़ा सा। और क्या करें, बैठ के बोर हो रहे थे इन सब चीज़ों में, क्योंकि एक टाइम तक इन्जॉय करते, लेकिन जब हम मतलब रास्ते पे चल रहे होते तो इन्जॉय करते, लेकिन जब एक जगह गाड़ी रुक जाती है ना तब बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बीच में जो हम स्नैक्स लेके आए थे सब ख़त्म कर देते थे, रास्ते में पापड़ मिल रहे थे, पापड़ वगैरह खा रहे थे बच्चों के साथ, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं थोड़ा। और यहाँ पीछे सामान रखा हुआ था, तो सैंडी सार्थक पीछे बैठे हुए हैं, तो बस वही है, जाम वाली हालत में यही सब होना होता है, कभी लेट रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, इस तरह से था। और सैंडी ने बीच में कैमरा ले लिया था कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन उसकी बातें अपनी स्कूल की इतनी सारी थी, मैंने कहा क्या क्या शेयर करेगा, मैंने इसलिए उसको म्यूट कर दिया है। और बस इस तरह से हम खड़े हुए हैं जाम में रक्षाबंधन पे, ऐसे ही होता है। लेकिन ऐसे ये फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेलिब्रेशन हुआ था, 11 तारीख में हुआ है हमारा रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन। लोग कंफ्यूज थे 11 को मनाएं या 12 तारीख में मनाएं, और बताया जा रहा था कि ऐसे मुहूर्त लगता है, भद्रा लगती है, लेकिन जो बताया गया था, बता रहे थे पाताल लोक में है, तो उसका अर्थ पे कोई भी प्रभाव नहीं था। 11 को रक्षाबंधन सेलिब्रेशन कर सकते हैं, हमने स्पेशली पंडित से डिस्कस किया था इस बारे में, तो हमने तो 11 को मनाया है, और बताया जा रहा था 12 तारीख की सुबह में 7 बजे तक था। तो इस तरह से है, लेकिन मेरा ये मानना है कभी भी मना लो यार, ऐसे कुछ भी नहीं है, बस अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। अनजाने में कुछ भी गलत काम भी अगर हो जाता है तो आई थिंक उसका कोई ऐसा गलत इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपसे अनजाने में हुआ है।
तो मेरे हिसाब से तो 11 को मनाओ या 12 को मनाओ, कोई नहीं, बस आप अच्छे से इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, ऐसे होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का व्लॉग, इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। एंड यस, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए हमारे वीडियोज़ हमारा डेली रूटीन देखने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।